नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। और आज हमारे पास है बुक डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इस बुक के बारे में जानकारी आपको देंगी रुचि मैम, जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैम आपका स्वागत है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, ये हमारे पास बुक है यूपी की, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से, सबसे पहले कौन से चैप्टर्स हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में हम लोग अनुक्रम बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे टॉपिक्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एंशियंट मैथमेटिशियन के बारे में, कि मैथमेटिक्स और मैथमेटिशियंस के बारे में, कि जो हमारा एंशियंट मैथमेटिक्स है वो उसमें क्या क्या पढ़ा गया था, और जो हमारे मैथमेटिशियन है, स्पेशली इंडियन मैथमेटिशियन, उनके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने हमारे मैथ में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, जिनके वजह से हम लोग उनको मैथ्स में इतना याद करते हैं। देन फर्स्ट टॉपिक ये हो गया। फिर सेकेंड टॉपिक हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नेम ही है सीक्वेंस। फिर इसके सीक्वेंस के अंडर में हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस एंड बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस एंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे एंड कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड कंपेरिजन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट। ऐसे ही हमारे में कुल 17-18 टॉपिक हैं। देन हमारे एक्सरसाइज दी हुई है बुक में, सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद फिर हमारे बुक में एक एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चन, फिर उसके बारे में जो जो हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, लाइक हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया एंड वेरी शॉर्ट। एंड फिर हम देखेंगे कि जैसे हमारे यूपी में क्वेश्चन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एमसीक्यूज बेसिस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो हमारी बुक में एमसीक्यूज क्वेश्चन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करना चाहेंगे, फर्स्ट टॉपिक ही इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिशियन का, मैथमेटिक्स का हमें इंट्रोडक्शन देना है। और हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये बुक जो हमारी है टीपी ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की, ये इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल, मीन्स इंग्लिश एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो मैं जो बाइलिंगुअल बुक है उसको प्रेफर करना चाहती हूँ, बाइलिंगुअल बुक के माध्यम से मैं समझाना चाह रही हूँ। ये हमारी बाइलिंगुअल बुक है जो मार्केट में उपलब्ध है, और आप में से कई छात्रों ने देखा होगा इसको। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक कवर किया गया है, इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमारी बुक में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मैथमेटिक्स है क्या। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ को हम मेज़र करना होता है, लाइक हम घर में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम घर में कोई टेबल लेते हैं या फिर कोई हमें मिरर लेना होता है घर के लिए ही, तो उसमें हम देखते हैं कि इसका हमें अकॉर्डिंग टू माय एरिया, कि हमारे एरिया के अकॉर्डिंग हम किस मेज़रमेंट का मिरर लें या किस मेज़रमेंट का हमें, जैसे डाइनिंग टेबल में हमें टेबल डालना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस मेज़रमेंट का हम टेबल लें जो हमारे डाइनिंग एरिया के हिसाब से हमारा वो सेट हो जाए। तो इसी में हम घर में और फिर व्यवसायिक क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हम देख लें, तो मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यही हमारे फर्स्ट टॉपिक में बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि हमारे आसपास जो भी घटित होता है वो सब हम गणित में देखते हैं, जैसे हमारे जीवन काल में पैसा, खेल, वास्तुकला, टेलीविज़न, मोबाइल डिवाइस, यहाँ तक के कला जैसी हर चीज़ है, जिसमें जिसके जैसे जैसे यहाँ पे बताया गया कला जैसी, कला मीन्स ड्राइंग, ड्राइंग में हम कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस मेज़रमेंट का लेना है। जैसे हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री में अगर हमें कोई रेक्टेंगल भी बनाना होता है तो हम देखते हैं कि हमें किस मेज़रमेंट का लेना है, सबसे पहले ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बताया गया है सिर्फ कि मैथमेटिक्स है क्या।
फिर इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कवर होता है इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स। इसमें हमें बताया गया है कि इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स जो है तो क्या है। मैथ में इंडियन एंशियंट मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमें बताया गया है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे गणित था, प्राचीन गणित, उसमें 4000 वर्ष पुराने वैदिक साहित्य में हुई थी हमारी गणित की उत्पत्ति जो है वो 4000, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4000 पुराने वैदिक साहित्य में हुई थी। इसमें हम सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो की जो ओरिजिन है, जीरो की उत्पत्ति है, कि जीरो कहाँ से खोज हुई थी। तो जीरो की खोज जो है वो हम देखते हैं कि इंडिया में ही हुई थी, जीरो की खोज इंडिया में ही हुई थी जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो भारत का सबसे पहला तो योगदान यही हो जाता है कि जीरो की खोज, जो जीरो की खोज है। फिर इसके बाद जीरो की खोज सबसे पहले पढ़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन गणित है उसका और कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस, कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, तो ये देखते हैं सब। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रीज, ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी टेक्निक्स इंडिया में बताए गए। फिर इसके बाद हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्याएं, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में ही जो मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ही इसकी खोज की है। जो हमने टॉपिक्स अभी यहाँ पे कवर किए वो यही हम लोग देखते हैं कि ये इंडिया के ही हमारे मैथमेटिशियंस ने कवर किया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वैदिक ट्रेडिशन के बारे में पढ़ाया गया है, बताया गया है इसमें वैदिक, इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ बताया गया है कि पावर ऑफ 10 का कंट्रीब्यूशन जो है उसकी जो 10 की घातों होती हैं इसके संयोजन के बारे में वैदिक काल में बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका, वैदिक परंपरा में 10 की घातों के संयोजन के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिखित संख्याओं का जब यूज़ किया गया तो इसमें हम दशमलव स्थान मान प्रणाली के बारे में देख रहे हैं अस्तित्व में आई, और इसका अधिकांश भाग बकाया था जिसके पुराने कार्यों में उन संख्याओं पर चर्चा नहीं की गई थी उसके बारे में यहाँ पे वैदिक काल में चर्चा की गई है इसके बारे में। फिर यहाँ पे देखते हैं सुलभ सूत्र, इन सब के बारे में बताया गया है, बोधायन सुलभ सूत्र के बारे में बताया गया है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है। इन सारे जो ये टॉपिक्स हैं ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको वैदिक काल में बताया गया है। यहाँ पे हो गया पाइथागोरस प्रमेय जिसका 2000 वर्ष पूर्व सुलभ सूत्र ज्योमेट्री में पाइथागोरस के बारे में बताया गया था, जिसको अभी पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है जैन ट्रेडिशन, जिसको हिंदी में जैन परंपरा कहते हैं। फिर यहाँ पे जैन ट्रेडिशन के बारे में देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें ब्रह्मांड के बारे में, जैन ट्रेडिशन जो है इसमें ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, कि जैन परंपरा में जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि ब्रह्मांड के विचार का ही प्रेजेंटेशन दिया गया है। फिर 5वीं शताब्दी में जैन कार्यों का उल्लेख नहीं था, यहाँ पे 10 की बड़ी घातों के 7 संख्याओं का अंकगणित क्रम परिवर्तन, जैसे हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, और 10 की पावर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इनेट के बारे में बताया गया है। ये हो गए हमारे जो इंडियन मैथमेटिक्स था इसके बारे में, कि हमें वैदिक काल में क्या बताया गया, जैन परंपरा में क्या बताया गया, इन्हीं सब के बारे में हमने अभी तक देखा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जा रहा है इंडियन मैथमेटिशियंस। फिर इंडियन मैथमेटिशियन में सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट जी का है। तो आर्यभट्ट का हम लोग देखते हैं कि आर्यभट्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन मैथमेटिक्स में, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो शास्त्रीय काल के महानतम भारतीय गणितज्ञों में एक थे, मतलब ये देखते हैं इन्होंने फिर शून्य की खोज की थी। सबसे पहले तो हम लोग आर्यभट्ट को इसी वजह से हम लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जीरो की खोज की थी, और वे गुप्त वंश के काल के थे। आर्यभट्ट जी जो है वो गुप्त वंश के काल के थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो वर्ड में पाई के जो वैल्यू है उसका 4
दशमलव के बाद चार डिजिट तक के उसका मान बताया था कि उसका मान कैसे ज्ञात किया जाए, मतलब ज्ञात तो नहीं करना बताया, लेकिन ये बताया कि जैसे 3.14 होता है पाई की वैल्यू, तो अभी दो ही डिजिट का बताया गया था। फिर इसके बाद इन्होंने चार डिजिट, दशमलव की चार डिजिट तक का इसका बताया मान। फिर इसके बाद हम जो हमारे मैथमेटिशियन हैं ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के बारे में देखा कि इनका क्या हमारे इंडिया में मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन था। तो मैथ ब्रह्मगुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान जो है वो फिबोनाची आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पे हिंदी में इसको हम फिबोनाची सर्वसमिका कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने साइन टेबल भी बताया, साइन टेबल के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय भी बताई, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। और जीरो की इन्होंने खोज तो नहीं की थी, ब्रह्मगुप्त जी ने यहाँ पे जीरो की खोज नहीं की थी, लेकिन इन्होंने जीरो का परिचय जरूर दिया था, परिचय के बारे बताया था। और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरणों को हल करने के सबसे सामान्य सूत्र की खोज की थी। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो ये हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मगुप्त जी ने द्विघात समीकरण के हल करने का सबसे पहला जो सामान्य सूत्र था उसकी खोज की थी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं भास्कर, भास्कर फिर देखते हैं कि भास्कर क्या थे, इनका क्या योगदान था मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो भास्कर थे ये हमारे भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे, जिनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था। और इनका इन्होंने कैलकुलस में बहुत बड़ा योगदान दिया है, कैलकुलस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं और कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। और अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों, क्षेत्रों के गणित, गणित के विशेषज्ञ थे ये। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो मैथमेटिशियन हैं हेमचंद जी, हेमचंद जी के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया। फिर देखते हैं इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताया, जो हमारा चैप्टर है सीक्वेंस, उसमें हम एक टॉपिक देखेंगे, उसमें टॉपिक बताया गया फिबोनाची सीक्वेंस। तो हेमचंद जी ने ही उसके बारे में अध्ययन किया था, यहाँ पे सबसे पहले जो उसका अध्ययन किया था उसके बारे में बताया था वो हेमचंद जी ही थे। इनको इनके इस कार्य के दौरान इनको कलिकल सर्वज्ञ अर्थात कलयुग के सर्वज्ञ, मतलब कलयुग में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, इस वजह से इनको कलयुग के सर्वज्ञ की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे श्रीनिवास रामानुजम जी हैं, इनको इनमें हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो इन्होंने टैक्सी कैब नंबर की अवधारणा दी है, टैक्सी कैब नंबर क्या है। फिर इसके बाद इन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जैसे ये होता है थ्योरी ऑफ नंबर, एलिप्टिकल फंक्शन, कॉन्टीन्यूड फंक्शन एंड इन्फिनिट सीरीज, इसके बारे में इन्होंने इनके द्वारा मतलब सर्वश्रेष्ठ या लोकप्रिय योगदान कहा जाता है कि श्रीनिवास रामानुजम जी का था। फिर नेक्स्ट हमारे जो हैं सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने क्या किया था, फोटान गैस के बोसान के सांख्यिकी यांत्रिकी के विकास किया था इन्होंने। इन्होंने जो काम किया था उसको बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो थ्योरी है वो बोस आइंस्टीन के सिद्धांत के नाम की थ्योरी भी दी थी, जो इन्हीं के इन दोनों के नाम से ही प्रचलित है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो मैथमेटिशियन है सी आर राव ने हमें थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन बताया कि थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन क्या होती है, एंड राव बैकवेल कैमरर राव ने इसके बारे में बताया। फिर नेक्स्ट हमारे मैथमेटिशियन पीसी महालोबिस, जो भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद, मतलब स्टैटिशियन थे, स्टैटिशियन भी थे, जिन्होंने जिनको आधुनिकी सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे जो हैं शकुंतला देवी, शकुंतला देवी को इंडियन फीमेल इंडियन मैथमेटिक्स, फर्स्ट जो हमारी फीमेल इंडियन मैथमेटिक्स थी वो शकुंतला देवी ही थी। तो इनका हमारे मैथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ये एक, जैसे हम लोग किसी चीज़ का क्यूब रूट निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े नंबर्स नहीं लेते, हम लोग 5-6 डिजिट का
बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और फिर इनका जो योगदान देखा गया है वो इतना, ये डिजिट है काफ़ी बड़ी है, इसका इन्होंने क्यूब रूट निकाल के बताया था कि कैसे हम और इसका क्यूब रूट निकालते हैं। फिर इन्होंने यूनिवेक कंप्यूटर के साथ 201 अंकों की संख्या के 13वें वर्गमूल का हल करने की प्रतियोगिता भी जीती थी, जिसमें इनका विश्व रिकॉर्ड रहा था। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में, जो इंडियन मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस का जो कंट्रीब्यूशन है, इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।